राम राम भाई लोगों, मेरा नाम है जीतू और फिर से देख रहे हो जीतू बीट्स। आज की वीडियो में मैं FL स्टूडियो के बारे में बताने वाला हूँ एकदम बेसिक से, यानी कि जिस आदमी ने कभी अपनी ज़िंदगी में FL स्टूडियो उठा के भी नहीं देखा उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। तो FL स्टूडियो अगर आपको नहीं पता है तो FL स्टूडियो एक है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन या फिर मैं कहूँ म्यूजिक प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर। तो उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे उसको काम में ले सकते हो, क्योंकि जो नया आदमी इस सॉफ्टवेयर को खोलता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये कोई एलियन टेक्नोलॉजी आ गई है। तो आज उस एलियन टेक्नोलॉजी को ही मैं समझाऊंगा कि वो कैसे काम करती है और इसमें जो है चाहे जो गाना सॉफ्टवेयर में चाहे जो गाना चाहे जो सॉन्ग चाहे जो म्यूजिक बना सकते हो, कोई भी लिमिट नहीं है। तो चालू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारों, मैं जो है इस चैनल पे बीट बनाना, म्यूजिक प्रोडक्शन, वोकल मिक्सिंग सारी चीज़ें सिखाता हूँ। तो अगर सुनने में बातें अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कर देना देखते देखते। तो चलते हैं FL स्टूडियो में। तो भाई लोग, सबसे पहले जब FL स्टूडियो खोलोगे तो देखो कौन सी स्क्रीन आएगी तुम्हारे सामने, वो आएगी कुछ इस तरीके से। ये आता है, पहले तो ये फ्रूट आता है, कौन सा है मुझे नहीं पता, तुमको पता है तो कमेंट करके बताना। और उसके बाद ये स्क्रीन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट निकल के आती है। अब जिन लोगों ने पहले कभी काम में नहीं लिया उनके लिए बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं कि भाई ये क्या आ गया, मतलब इसमें क्या करूं। तो मैं आज समझाने वाला हूं ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कौन सी किधर क्या बटन है, वो क्या काम आते हैं, एक ओवरव्यू देने वाला हूं जिससे तुम लोगों की समझ में आ जाएगा और वो भी देसी भाषा में, यानी सबके समझ में आएगा। तो देखो स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन वाइज। पहले मैं ये सेक्शन बताऊंगा, फिर मैं ये सेक्शन बताऊंगा, फिर मैं ये सेक्शन बताऊंगा, ये बताऊंगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखूंगा, देसी रखूंगा, जितने में काम चल जाएगा उतनी चीज़ें बताऊंगा। ओके चलो, तो देखो सबसे पहली बात, ये खुलता है सॉफ्टवेयर तो कुछ ये स्क्रीन है सामने आती है, कुछ भी टच नहीं करोगे लेकिन कहीं भी कुछ टच करते हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कई चीज़ें गायब हो जाती है। अब ये गायब क्यों हो गई वो भी बताऊंगा, डरने की जरूरत है नहीं। ओके तो देखो सबसे पहले करते हैं हम यहाँ से बात। ये जो है फाइल का जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से अपना न्यू फाइल चालू कर सकते हो, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट ले सकते हो। देखो अलग अलग टेम्पलेट दिए हुए हैं, लेकिन मैं जो डायरेक्टली करता हूँ न्यू फाइल करता हूँ, टेम्पलेट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके ओपन में करोगे तो ओपन का मतलब कोई फाइल पहले से सेव की हुई उसको ओपन करने के लिए, और ये दो है सेव करने के ऑप्शन, यानी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया कैसे करोगे वो बताऊंगा अभी मैं। तो उसको सेव करना है अपने कंप्यूटर में तो यहाँ से होगा, और फिर सेव न्यू वर्जन ये दबाओगे तो वो पहले वाला जो वर्जन सेव है उसके अलावा दूसरा वर्जन सेव हो जाएगा। इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट कर सकते हो मीडी फाइल। मीडी फाइल क्या होती है कि पहले से किसी ने कुछ बनाया हुआ है उसके जो डायरेक्टली मीडी फाइल इंपोर्ट हो जाती है, उसको फिर अपने सॉफ्टवेयर में एडिट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब सारी चीज़ जो बना ली उसको फिर एक्सपोर्ट करना है, यानी बाहर निकालना है, क्योंकि हम जो इसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं उसकी फाइल बनती है .flp यानी फ्रूटी लूप प्रोडक्शन। ओके अब यहाँ पे एक्सपोर्ट हम करते हैं वेव में, MP3 में, OGG, फ्लैक, MIDI, ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन मेनली जो लोगों के काम में आते हैं वो है वेव और MP3। ठीक है तो एक्सपोर्ट ये हो गया, किसी को शेयर करनी अपनी बीट बनाई वो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद रिसेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे आते हैं और रिवर टू लास्ट बैकअप और एग्जिट। ओके इसका तो काम हो गया खत्म। उसके बाद एडिट, कट, कॉपी, ये फालतू की टाइप है। कट कंट्रोल सी एक्स से कर सकते हो और कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो, जो कि इसके लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, बेवकूफ है। उसके बाद में ऐड में यहाँ से क्या होता है भाइयों, यहाँ से इस ऐड से देखो मोर प्लगइन और ये जो नीचे प्लगइन दिए हुए हैं इस ऐड वाले बटन से, ये वो प्लगइन है जो खुद में कोई साउंड जनरेट करेंगे, इनमें से साउंड निकलेगा। प्लगइन दो टाइप के होते हैं, कोई भी म्यूजिक बनाते हैं उसमें एक होता है जनरेटर, दूसरा होता है इफेक्ट। जनरेटर का मतलब जो खुद कुछ साउंड निकालता है, और इफेक्ट का मतलब वो खुद साउंड नहीं निकालता बल्कि जो साउंड आपके पास पहले से पड़ा है उसको एडिट करने के काम आता है। ठीक है ध्यान रखना, जनरेटर और इफेक्ट। ओके तो यहां से जनरेटर ऐड होते हैं, यानी जो खुद साउंड निकालते हैं। उसके बाद में पैटर्न पे चलेंगे, तो पैटर्न देखो, पैटर्न जो यहाँ बनते हैं पैटर्न अपने बताऊंगा अभी मैं, उनको यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट करने का, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन जिन टैबों की जरूरत नहीं पड़ने वाली उनका मैं बता दूंगा। उसके बाद व्यू में जाओगे तो व्यू देखो, ये वाला व्यू दिया हुआ है इसको मत छेड़ना, बाय डिफॉल्ट जो व्यू रहे उसी को रहने देना। फिर ऑप्शन में जाओगे तो कई सेटिंग दी हुई, जैसे मिडी सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, जनरल सेटिंग, फाइल सेटिंग, मैनेज प्लगइन। ठीक है तो देखो किसी भी क्लिक करोगे ना तो ये टैब खुल जाएगा, और इनके ऊपर अलग अलग टैब सबके वो दिए हुए, जो हमने लिस्ट में देखे थे वो इधर है। देखो मिडी, फिर ऑडियो, फिर जनरल, फाइल, प्रोजेक्ट, इन्फो। तो ये जैसे जैसे आगे प्रोडक्शन बताता रहूंगा मैं, जहां जहां जो जो टेप काम आएगी वो बताऊंगा, लेकिन अभी इनको तुमको छेड़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है इसको कर देते बंद। उसके बाद टूल्स में देखो कई चीजें दी हुई है, मैक्रोस दिए हुए हैं, रिप मशीन दिए हुए, ये थोड़ा सा जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये टैब जरूरत है नहीं, तो इसको भूल जाओ, ध्यान ही मत देना ये टैब यहाँ पे है। और ये हेल्प सेक्शन है, कुछ हेल्प लेनी हो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सारी हेल्प मैं दे दूंगा। उसके बाद आते हैं इस सेक्शन पे, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसमें देखो क्या क्या है।
ये जो है ना, ये वाला सेक्शन, इन दो को मत छेड़ना, ये जो दो दीवी है इनको बिल्कुल मत छेड़ना, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करती है। म्यूजिक प्रोडक्शन में हम हर एक चीज़ को अलग अलग एडिट करते हैं, इसको छेड़ोगे मैं सब करोगे इसके साथ में, तो ये सारे प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेगी, तो इनकी ना ही तो जरूरत पड़ती है कभी, और छेड़ना भी मत, इनके हाथ मत लगाना, इनको काम में लेना है तुम लोग। ये जो दिया हुआ आगे स्पेस, इसमें क्या है, PAT सॉन्ग, देखो ये मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये अलग अलग पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, PAT का मतलब तो है पैटर्न, यानी कि तुम आपने क्या पैटर्न बनाया उसको ये दिखाएगा। पैटर्न कैसे बनता है अभी बताऊंगा, आराम से सुनो अभी बातों को, ओके। पैटर्न बनाया, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, पैटर्न बनाया उसको दिखाएगा, उसको सुनाएगा, लेकिन सॉन्ग पे करोगे तो यहाँ पे देखो प्लेलिस्ट जो है इसमें जो भी पड़ा है सामान वो सुनाएगा। अब प्लेलिस्ट क्या होती है और पैटर्न क्या होता है वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद ये प्ले का और ये स्टॉप का बटन है, ये तो नॉर्मली आपको पता होगा। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग का बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो कई ऑप्शन खुल जाते हैं कि ऑडियो इनटू एडिशन, ऑडियो इनटू प्लेलिस्ट, नोट्स एंड ऑटोमेशन, एवरीथिंग। तो ये सब क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। रिकॉर्डिंग की स्पेसिफिक मैंने एक वीडियो बनाई भी है, वो देख लेना, नहीं देखी है और बनानी है और बना दूंगा, कमेंट करके बता देना। तो ये रिकॉर्डिंग का बटन है, यहाँ से हमारा टेम्पो सेट होता है। टेम्पो मतलब स्पीड, जो प्रोजेक्ट की स्पीड, यानी कई गाने फास्ट होते हैं कई गाने स्लो होते हैं, तो कितना फास्ट है कितना स्लो वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। या तो इसको ऊपर नीचे देखो माउस से क्लिक करके और यूँ ऊपर नीचे माउस को ले जाओगे तो हो जाएगा, या फिर माउस में वो जो घूमने वाला आता है पहिया सा उसको घुमाओगे तो हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहले से भी दिए हुए प्रीसेट, तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया टेम्पो। उसके बाद यहाँ इनकी बात करते हैं, तो भाई देखो ये जो है ना, ये जो इनमें बटन काम के मैं वही बताऊंगा, ताकि तुम लोगों को वो नहीं हो कि भाई हर कुछ दबा दो तो क्या गलत होगा, ठीक है। तो ये जो है मेट्रोनम का बटन है, यानी कि रिकॉर्डिंग करते वक्त टक 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 आवाज़ आती रहती है, वो क्या काम आती है, वो आती है ताकि आप स्पीड में ही बजा रहे हो तो स्पीड में उस सेम स्पीड में बजाओ, या फिर गा रहे हो तो आप सेम स्पीड में गाओ, आउट ऑफ टेम्पो ना हो जाओ, ठीक है। तो टक 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 ये वाला है ना, इससे जुड़ा हुआ है ये, यानी आपका मेट्रोनम जब रिकॉर्डिंग चालू करोगे इसको बंद रखोगे तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, यानी विदाउट एनी वार्निंग दिए पहले कि चालू होने वाली है, लेकिन इसको चालू रखोगे तो चार बार पहले करेगा टक 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 टक, उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू होगी, तो वो टाइम मिल जाता है खुद को तैयार होने के लिए। उसके बाद ये वाले जो बटन है ये दिए हुए हैं, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ये बटन है, इसको अगर प्रेस करके रखोगे तो जो अपने कीबोर्ड बटन दबाओगे उनमें से भी साउंड आएगा, उसको कीबोर्ड के जैसे काम में ले सकते हो, जो अपना कंप्यूटर का पीसी का कीबोर्ड है उसको कीबोर्ड की तरह, मतलब मिडी कीबोर्ड की तरह काम में ले सकते हो, इसको बंद कर दोगे तो फिर वो साउंड आना बंद हो जाएगा। तो कई लोगों का जो साउंड आना बंद हो जाता है वो इसकी वजह से, इसको दबाओ या बंद करो, और बाकी चीज़ें फालतू की है, कोई काम की नहीं है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं जो भी स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि फंस जाओगे उनमें। उसके बाद यहाँ पर टाइम आता है, जितना आपका सॉन्ग चलेगा आगे, देखिए ये बढ़ता रहेगा तो ये टाइम भी आगे से बढ़ता रहेगा, तो पता रहेगा कितनी देर का टाइम हो गया। इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये जो है, इस पर राइट क्लिक का मतलब ये वाला कौन सा, लेफ्ट, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये बदलता रहता है, देखो फॉर्मेट बदल सकते हैं इसका, ये हो गया 1 सेकंड 15 मिनी सेकंड, ठीक है, और ये फिर डायरेक्ट इतनी मिनट इतनी सेकंड, तो ये फॉर्मेट बदलने के लिए लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो शो होता है वो होता है जो हिस्टोग्राम है, जो फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पर शो होती है, और इसके आगे ये सारे बटन फालतू के काम के नहीं है, ये जो बटन नीचे वाले ये काम आएंगे, इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसकी। ये क्या है, ये है पैटर्न क्रिएटर। पैटर्न क्या होता है अभी बताने वाला हूँ, लेकिन क्रिएट यहाँ से होता है वो देखो। पहले पैटर्न क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, प्लस पे दबाओगे, कोई भी पैटर्न लिखना है, जैसे ड्रम, बेस, गिटार, नाम सुना है इनका, इन चीज़ों से मिलकर एक सॉन्ग बनता है, तो उनके पैटर्न यहाँ बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ DRUMS ड्रम्स का, फिर मैंने एंटर दबाया तो ये पैटर्न यहाँ से बन गया, और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा, रीनेम एंड कलर, कलर कोई भी सिलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट दबा दीजिए, तो उस कलर का ये पैटर्न हो जाएगा, यहाँ पे भी शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो इतने बटन दिए हुए ये किस काम के, ये तो है अपना प्लेलिस्ट का बटन, ये देखो प्लेलिस्ट दबाऊंगा मैं, ये प्लेलिस्ट आ रही है जा रही है, ये प्लेलिस्ट आ गई, इसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, ये जो बड़ा सारा मैदान सा दिखाई दे रहा है ये प्लेलिस्ट है, ओके, तो इसको प्लेलिस्ट बोलते हैं, ये आ रही जा रही है इससे, ठीक है। और ये है पियानो रोल का, पियानो रोल क्या होता है, ये आ गया, देखो पियानो खुल गया ना, इसको बोलते हैं पियानो रोल, तो इस बटन से पियानो रोल खुलता है और बंद होता है, एक बार दबाओगे बंद हो जाएगा, एक बार दबाओगे खुल जाएगा, ओके। उसके बाद ये जो है ये किसका बटन है, ये है अपने इसका जो चैनल रैक है, चैनल रैक जिसमें पैटर्न बनते हैं, जो मैंने यहाँ बताया ना पैटर्न तुम क्रिएट करोगे उनको बनाओगे कैसे, यहाँ पे कैसे बनाएंगे अभी आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो यहाँ से वो खुलता है, और ये जो है ये खुलता है इससे मिक्सर, देखो इस तरीके से मिक्सर खुलता है, यहाँ से दबाओगे मिक्सर खुल जाएगा। इन सब की शॉर्टकट कीज भी है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जितनी भी एफएल स्टूडियो की शॉर्टकट की मुझे पता है, मैं सारी बताने के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से मिक्सर खुलता है, अभी मिक्सर क्या काम आता है, ये आवाज़ कम ज़्यादा करने की, यानी कि अपने गाने में क्या लाउड रखना है क्या कम रखना है, तो उसको कम ज़्यादा हम करेंगे
और कैसे करेंगे, हर एक साउंड को एक मिक्सर ट्रैक अलॉट करके, और वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो उसको। और ये जो है ये बटन, ये है इसको जो ये अपनी ब्राउजर विंडो है इसको हटाने का या फिर लगाने का, तो मैं इसको चालू रखता हूँ क्योंकि ये काम आती है बहुत ज़्यादा, बाकी तीन आगे ज़्यादा काम के नहीं है तो इनको छोड़ दो। ओके, अब हम आते हैं सबसे पहले अपनी इस विंडो पे, ये जो ब्राउजर विंडो है जो कि यहाँ से अगर चली गई है, गायब हो गई है, तो इससे गायब हो जाती है, दोबारा दबाओगे आ जाएगी। यहाँ क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, इसमें सैंपल है, इसमें इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इफ़ेक्ट्स है, इसमें सब कुछ है। तो मैंने कहा इफ़ेक्ट्स में आवाज़ नहीं आती है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि जनरेटर्स में आवाज़ आती है। तो मैंने कहा इफ़ेक्ट्स में आवाज़ नहीं आती है और इंस्ट्रूमेंट में आवाज़ आती है। अब सैंपल जो होते हैं वो होते हैं पहले से रिकॉर्ड किए हुए साउंड, जैसे कोई गिटार बजा रहा है तो उसने गिटार रिकॉर्ड कर दी, कोई ड्रम बजा रहा है तो उसने स्नेयर अलग रिकॉर्ड कर दिया, ड्रम का किक अलग रिकॉर्ड कर दिया। ओके, वोकल कई होते हैं जैसे होय 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 पंजाबी, ये सब रिकॉर्डिंग मिलती है इनकी भी, और स्नेयर हो गया और ढोलकी हो गई, ये सब रिकॉर्डिंग मिलती है, तो उनको बोलते हैं हम सैंपल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती है इसमें। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या रहता है सीन, बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ ऊपर करंट प्रोजेक्ट आता है जिसमें करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल दिखे, क्योंकि अभी हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया, तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद में ये देखो हिस्ट्री पैटर्न, ये सारे करंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसेंट फाइल, जो फाइलें अभी अभी बनाई है आपने उसकी सारी जो भी काम में लिए वो सब कुछ आएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्लगइन डाटाबेस। मैंने बताया कि प्लगइन के दो टाइप होते हैं, एक होता है इफेक्ट, एक होता है जनरेटर। इफेक्ट जो कि ऑडियो को एडिट करता है जिसमें खुद में आवाज़ नहीं आती, और जनरेटर जो कि खुद आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पे देखो प्लगइन डाटाबेस में ये इफेक्ट है, ये जनरेटर, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट जो है उसमें खुद में आवाज़ नहीं आएगी, वो एडिट करने का काम आएगा, और जो जनरेटर है वो खुद साउंड निकालता है। तो इफेक्ट में क्या क्या है, इफेक्ट है कंप्रेसर, डिले, ईक्यू, फ्रूटी, लिमिटर, मास्टरिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कंप्रेसर में क्या होता है भाई, कंप्रेसर जो है कंप्रेस करता है, ईक्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी को काटना जोड़ना वो करते हैं, डिले ये सब टाइम बेस्ड इफेक्ट है, तो इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई भी है और भी बनाऊंगा, ये ऑडियो को एडिट करने के काम में आते हैं। ओके, उसके बाद प्लगइन डाटाबेस में इफेक्ट हम हटाए, जनरेटर अगर हम खोलेंगे तो देखो जनरेटर में जो हमारे सामने आएंगे नीचे उनमें सब में साउंड आएगा। ये देखो फ्लेक्स दिख रहा है, फ्लेक्स जो है फ्लेक्स एक तरह का FL स्टूडियो का VST या सिंथेसाइजर है जिससे कि साउंड बना सकते हो कोई भी चाहो तो। और उसके नीचे इंस्टॉल्टेड आता है, उसमें इफेक्ट आएगा। अब इंस्टॉल्टेड कौन से होंगे, जो कि आपने एक्सटर्नल प्लगइन इंस्टॉल किए हैं कहीं से डाउनलोड करके, वो कुछ भी हो सकता है, वो या तो इफेक्ट हो सकता है या फिर वो जनरेटर हो सकता है। मैंने सिर्फ इफेक्ट डाउनलोड किए हुए तो ये सिर्फ इफेक्ट दिखा रहा है। उसके बाद प्लगइन प्रीसेट, इसमें भी वही सेम चीज़ है, इफेक्ट, जनरेटर, VST। ठीक है, तो ये बस दिखाने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है FL स्टूडियो का, दो दो बार दिखाता है ब्राउजर, लेकिन ज़्यादा जो प्लगइन आते हैं वो इसमें आते हैं रेड वाले में, तो आपको अगर ओपन करने हैं तो रेड वाले को ओपन करना। ओके, इसमें देखो जनरेटर में 3X ऑक्सीलेटर डैशबोर्ड, मैंने कहा जनरेटर खुद साउंड उत्पन्न करता है, कैसे करता है मैं दिखाता हूँ। जैसे FL स्लेयर, ये जो है गिटार का प्लगइन है, प्लगइन क्या होता है जिसका मतलब होता है, प्लगइन का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर में एक छोटा सॉफ्टवेयर, जैसे FL स्टूडियो कंप्लीट सॉफ्टवेयर है उसमें एक छोटा सॉफ्टवेयर और डाल दिया प्लगइन का, जो कि अलग अलग साउंड निकालेगा। अब वो कौन सा साउंड निकालेगा वो डिपेंड करेगा प्लगइन पे, कि क्या वो किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का प्लगइन है, जैसे कि ये गिटार का प्लगइन है, तो देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, तो ये सिर्फ गिटार का साउंड निकालेगा, सुनना गिटार का साउंड आ रहा है, गिटार का साउंड निकाल रहा है क्योंकि ये गिटार का ही प्लगइन है। और एक होता है सिंथेसाइजर, वो भी प्लगइन होता है, लेकिन वो सिर्फ एक साउंड निकालता नहीं है, वो खूब सारे साउंड, उसमें आपको छूट दीवे कि आप कई चीज़ों को ऊपर नीचे करके, ये जो नीचे दिए हुए इन सबको घुमाओ के अलग साउंड कुछ भी चाहो वो बना सकते हो, दुनिया का कोई भी साउंड बना सकते हो। जैसे मैं एक सिंथेसाइजर आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा हार्मर, ये सबसे खतरनाक सिंथेसाइजर है हार्मर FL स्टूडियो का, जो ये सिंथेसाइजर है। अब इसका खुद का कोई साउंड नहीं होता, इसमें आप अलग अलग साउंड बना सकते हो। जैसे देखो अभी ये इसमें साउंड बज रहा है, लेकिन अगर मैं प्रीसेट में जाके साउंड बदल दूं और इसको मैं ये कर दूं, तो फिर देखो ये साउंड बजने लग गया, तो इसमें कोई भी साउंड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो प्लगइन के दो टाइप, इफेक्ट जो कि खुद आवाज़ नहीं निकालते बल्कि आवाज़ को एडिट करते हैं, और जनरेटर जो खुद आवाज़ निकालते हैं। अब जनरेटर में भी दो टाइप, एक तो इंस्ट्रूमेंट का VST जिसमें गिटार का हो सकता है, कीबोर्ड का हो सकता है, पियानो का हो सकता है, और दूसरा सिंथेसाइजर जिससे कोई भी साउंड बना सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, तो ये हो गया इफेक्ट जनरेटर का काम, इसको बंद कर देते हैं। अब देखो नीचे FL स्टूडियो में कुछ एक सैंपल भी प्री इंस्टॉल्टेड मिलते हैं, बाकी डाउनलोड करके भी जोड़ सकते हो, डाल सकते हो सैंपल। अगर नहीं पता कैसे डालते हैं तो ऊपर एक वीडियो आ रही होगी, उसमें मैंने बताया है कि कैसे डाउनलोड करके सैंपल FL स्टूडियो में ऐड कर सकते हो। उसके बाद में नीचे आते हैं, FL स्टूडियो खुद के सैंपल बताता हूँ जो दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे आएंगे पैक्स में, एकदम नीचे आओगे, ये जो है ये कुछ भी खुल जाए, खूब सारी चीज़ें खुल जाए, फिर समझ में नहीं आया क्या करूँ। देखो जैसे मान लो ये खुल गया और मैंने ये खोल लिया, खूब सारी चीज़ें खोल ली, ठीक है, और ऐसे मतलब हो गया कि भाई क्या खोलूँ अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब
खूब सारी चीजें खुल गया, बंद कैसे करूँ एक साथ? तो देखो ये जो ऊपर बटन दिया ना ये वाला, इसको दबाओगे तो ये सब बटन बंद हो जाएंगे एक बार में, तो फिर दिखने लग जाएगी चीजें एकदम व्यवस्थित। उसके बाद नीचे आना है पैक्स में, पैक्स में आओगे तो देखो ड्रम दिया हुआ है, ड्रम मोड ऑडियो दिया हुआ है, फ्लेक्स इंस्ट्रूमेंट लेगेसी लूप ये सब दिया हुआ है। तो इनमें दिए हुए हैं क्या सैंपल्स, सैंपल्स जैसे मैंने बताया प्री रिकॉर्डेड ऑडियो होती है, उसको कोई दे देता है आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करके। जैसे मैं ड्रम में करूंगा और मैं किक में जाता हूं, तो ये देखो सारे किक रिकॉर्ड किए हैं पहले से किसी। अब देखो मैं इसको दबाता हूं, ये ऐसा साउंड करता है, ये ऐसा साउंड करता है, ये ऐसा साउंड करता है। तो ये सब रिकॉर्डिंग्स है, किक की ले लो, हेट की ले लो, ये सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है? तो इनको काम में लेके अपना साउंड बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा अभी। तो ये सारे पैक का हो गया, और बाकी नीचे प्री रिकॉर्डेड प्रोजेक्ट्स, माई प्रोजेक्ट्स में आपके प्रोजेक्ट आ जाएंगे, और बाकी जो ये सब चीज़ें दी हुई है ये ज़्यादा काम की है नहीं, खोल खोल के देख लेना पता चल जाएगा, जो जो काम की थी वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पर, वो क्या है? वो है ये चैनल रैक। अब देखो कोई भी चीज़ अगर गायब हो जाती है ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया चैनल रैक गायब हो गई, तो फिर मुझे लाने के लिए फिर से क्या करना है, ये दबाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि अगर गायब ना हो तो क्या करना है, इस पर देखो ये जो एरो दी हुई इस पर आओगे और डिटेस्ट पर क्लिक कर दो। अब कुछ भी दबाओगे तो ये गायब नहीं होगी, ये यहीं रहेगी, कहीं भी नहीं जा रही है, ठीक है? अब ये क्या होता है, देखो इन दो को साथ में समझाऊंगा मैं। ये तो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट कहाँ पे है, इससे खुलती है प्लेलिस्ट, ये खुल गई, ये वाली प्लेलिस्ट है और ये चैनल रैक है। मैं इन दोनों चीज़ों को साथ में समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ओके? देखो प्लेलिस्ट और चैनल रैक, इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में समझाऊंगा। अब ये जो है इसकी बात करते हैं, सबसे पहले ये चैनल रैक, चैनल रैक को ऐसे समझो कि आपके पास में एक बड़ा स्टूडियो, बड़ा स्टूडियो, ठीक है? उसमें बहुत सारे कमरे हैं, अलग अलग कमरों में अलग अलग व्यक्तियों को यानी कि पर्सन्स को बिठाया हुआ आपने। एक कमरे में आपने बिठाया हुआ कि इसमें तो ड्रम बजाने वाले रहेंगे, यानी कि जो ड्रम बजाएंगे, ओके। एक कमरे में बोला हुआ है कि भाई इसमें तो गाने वाला रहेगा सिर्फ, ठीक है? एक कमरे में आपने बोला कि इसमें तो पियानो वाला रहेगा, एक में बोला कि इसमें बेस वाला रहेगा, ठीक है? सब अलग अलग रहेंगे, और फिर मुझे कोई अगर गाना बनाना होगा और फिर मैं सोचूंगा कि मुझे इसमें ड्रम चाहिए, इसमें बेस चाहिए या क्या चाहिए, जो जो मुझे चाहिएगा उसको उसके कमरे से बुलाऊंगा बड़े हॉल में और उसको बिठाऊंगा लाइन से, भाई तू यहाँ बैठ जा ड्रम वाले, तू यहाँ बैठ जा पियानो वाले, तू यहाँ बैठ जा बेस वाले, ठीक है? तो ये सिस्टम है कि ये जो है चैनल रैक, ये वो छोटा कमरा है जिसमें अलग अलग आदमी बैठेंगे, ड्रम वाले, बेस वाले, गिटार वाले, कीबोर्ड वाले, और जो ये प्लेलिस्ट है ये वो बड़ा हॉल है जिसमें जो अलग अलग बैठे थे उनको उठा उठा के लाएंगे, भाई तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, तू चला जा, तू वापस तेरे कमरे में जा, तू वापस आ जा। कौन कब आएगा वो यहाँ से डिसाइड होगा प्लेलिस्ट से, और यहाँ छोटा कमरा है इसमें अलग अलग लोग बैठेंगे। अब कमरे कैसे क्रिएट होंगे वो यहाँ से मैंने आपको बताया, पैटर्न जो पैटर्न बनाते हैं वो हर एक पैटर्न एक कमरा है छोटा। जैसे मैंने ड्रम का बनाया तो ये ड्रम वालों का कमरा है, इसमें ड्रम वाले बैठेंगे। मैं बनाता हूँ बेस का, देखो मैं बेस का बनाता हूँ, तो ये बेस वालों का कमरा है, यहाँ पे बेस वाले बैठेंगे, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ, बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सैंपल दिखाऊंगा कैसे हम करेंगे। तो देखो जैसे मैंने ड्रम वालों का कमरा खोलना है तो मैं पैटर्न वाले पे गया, ये ध्यान रखना इस पे हाथ बैठ जाएगा थोड़े दिनों में कि पैटर्न यहाँ सेलेक्ट होते हैं। तो मैं ड्रम वालों के कमरे पे गया, ये ड्रम वालों का कमरा सेलेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे ये ड्रम वालों का कमरा खुल गया, इसमें आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, ये सेम दिखेगा, लेकिन अभी जो है ये बेस वालों का कमरा बन गया ये वाला, और अभी ये ड्रम वालों का बन गया। तो ऊपर देखना है कौन सा सेलेक्टेड है, वही यहाँ से कंट्रोल होगा। अब ड्रम वाले कमरे में बोलता हूँ कि चलो भाई ड्रम बजाओ, ये मैं नॉर्मल एक पैटर्न बना लेता हूँ ड्रम वालों का, देखो दो सेकंड दीजिएगा मुझे, ड्रम वालों का मैं पैटर्न बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो भाई ड्रम बजाओ जल्दी से बजाओ, तो ड्रम वाले बोलते हैं ओके। यहाँ से देखो ये जो बजाना है, अब मैंने इसको सॉन्ग पे सेलेक्ट किया हुआ था तो ये बड़े होल वाली चीज़ें बज रही है, लेकिन मुझे कमरे वाली बजानी है तो मुझे यहाँ से पैटर्न पे करना है, ठीक है? सुनना, ड्रम वाले ड्रम बजा रहे हैं, ओके बजा रहे हैं, ओके बैठे अपने कमरे में बैठे। अब मैं बोलता हूँ बेस वालों को, भाई बेस वाले तुम भी आ जाओ। अब बेस बनाने के लिए मुझे, क्योंकि ड्रम तो यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, ये ऐड भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अभी बताऊंगा। बेस के लिए हमें VST चाहिएगा यानी इंस्ट्रूमेंट। ड्रम जो है ये सैंपल है सारे, देखो ऑडियो है, ये एक किक की ऑडियो है, ये क्लैप की ऑडियो है, हम जस्ट इनका पैटर्न बनाते हैं कि ये ऐसा अच्छा साउंड करे, एक ढंग से बजे। तो देखो यहाँ पे किक आ रहा है, यहाँ पे क्लैप आ रही है, तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है। अब बेस के लिए हमें एक चाहिएगा जनरेटर, जैसे मैंने बताया साउंड कौन करता है, जनरेटर साउंड करते हैं, इफेक्ट एडिट करते हैं। तो जनरेटर कहाँ से मिलेंगे हमें, प्लगइन प्रीसेट में जाएंगे हम, जनरेटर में जाएंगे। अब हमें चाहिए बेस, तो बेस हम सिंथेसाइजर से बना सकते हैं। तो सिंथेसाइजर कौन सा था, मैंने बताया हार्मर सिंथेसाइजर है। मैं सारी वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा एफएल स्टूडियो के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से उनमें सिंथेसाइजर है, कौन कौन से इफेक्ट है, कैसे काम आते हैं। तो चलो हार्मर में चलते हैं, और यहाँ पे देखो बेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इस बेस को यहाँ पर डाल लेता हूँ, ठीक है? लेकिन ये तो ड्रम वालों का कमरा है, देखो ये तो ड्रम वालों का कमरा है, मुझे तो बेस वालों के कमरे में बेस बजानी है, तो मैं बेस वालों के कमरे में जाता हूँ। चलो चला गया, अब यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से ग्रीन हो रहा है इसका मतलब ये सिलेक्टेड है, ठीक है? ध्यान रखना है ग्रीन हो रहा है और बेस का कमरा सिलेक्टेड है। अब मुझे बेस बनानी है, तो नॉर्मल मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं
यू करके पैटर्न सेट करूंगा तो ये नोट जो बजेगा बाय डिफॉल्ट वो बजेगा सी। सुनना, ये क्या हुआ, ये जो है बेस का मैंने पैटर्न सेट किया। अब मैं बेस में करता हूं ये पैटर्न सेट, जाके यहां पे देखो यहां बना लेता हूं, ये बेस वाला कमरा है। तो अब ये नोट जो बज रहा है वो बज रहा है सिर्फ सी, क्योंकि यहां से बाय डिफॉल्ट जो नोट बजता है वो बजता है सी, ठीक है। और इस नोट को कहां से देख सकते हैं हम, यहां पे क्लिक करके, ये देखो ये क्लिक किया मैंने तो यहां से ये पैटर्न साइज में खुल गया। मतलब ये तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है चैनल रैक का सिक्वेंसर जो कि ये होता है जिसमें अलग अलग ये डब्बे आते हैं जिनमें आप अपने हिसाब से जिस भी डब्बे में डालना चाहो उसमें यूं क्लिक करके डाल सकते हो। किससे क्लिक करना है आपको, ये कौन सा होता है, लेफ्ट क्लिक करके डाल सकते हो, ठीक है। और मिटाना है तो राइट क्लिक, उस जगह पे अगर राइट क्लिक करोगे मिट जाएगा, या फिर राइट क्लिक दबा के रखो और यूं लेके जाओगे तो मिट जाएगा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखो यूं करोगे तो सारे पैटर्न भर जाएंगे। तो ये तो हो गए कैसे कर सकते हैं भरना और खाली करना। उसके बाद में यहाँ पे अगर क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे बेस का पैटर्न डाला था, तो ये जो है ये मिनी वो खोल लेगा, क्या मिनी पियानो रोल। यहाँ पे देखो ये मिनी पियानो रोल, इसमें आपको वेलोसिटी का मिल जाएगा कि अपना वेलोसिटी यानी कि आवाज़ को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो शुरू के नोट की आवाज़ कम रखता हूँ, दूसरे की ज़्यादा रखता हूँ, तो कुछ ऐसा साउंड करेगा, या फिर दोनों की कम कर देता हूँ तो कम आवाज़ साउंड आएगी। लेकिन हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको इंस्ट्रूमेंट के अगर हम जिसमें कि नोट्स आते हैं, जैसे बेस है गिटार है, इनमें नोट्स आते हैं, अलग अलग नोट्स हमको लगाने पड़ते हैं। नोट्स क्या होता है, अलग अलग नोट्स का मतलब कोई भी की होती है, गाते हैं तो अलग अलग, जैसे आपने पियानो बजाते देखा तो अलग अलग बटन दबाते ना, हमको भी अलग अलग बटन दबाने पड़ेंगे। बटन कहाँ से आएंगे, तो बटन आएंगे पियानो रोल से। पियानो रोल में कैसे जाएंगे, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के पियानो रोल में जाना है उसको सेलेक्ट करके रखो, जैसे मैंने ये बेस सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे ग्रीन है, राइट क्लिक करेंगे पियानो रोल यहाँ लिखा हुआ है इसमें जाएंगे, तो ये देखो हम बेस के पियानो रोल में पहुंच गए। अब ये हट रहा क्यों नहीं, क्योंकि हमने इसको डिटेस्ट किया हुआ था, तो चलो एक बार नीचे कर देता हूँ इसको मैं। अब देखो ये बेस का पियानो रोल आ गया, तो ये सारी कीज है, जैसे ऊपर जाओगे आवाज पतली होती रहेगी और वो होती रहेगी तीखी, और जैसे नीचे आओगे आवाज भारी होती रहेगी और, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी आपके गाने में आपको चाहिए उस हिसाब से आपको नोट्स लगाने होंगे। जैसे मैं लगाता हूँ, मुझे ये नोट अच्छा लगा तो मैं ये लगाता हूँ, और ये लूप होता रहेगा, दो स्टेप मैंने लिया तो दो स्टेप लूप होते रहेंगे, यानी चलते रहेंगे। और अगर आगे करता हूँ तो मैं आगे अगर मैं कर देता हूँ तो फिर ये इतना लूप होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो गया। तो हमने बेस वालों को बोला, भाई बेस वाले तुम बजा लो, बेस वालों ने कहा हमने बजा लिया साहब। अब ये मैंने सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट बताए फॉर एग्जांपल, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी सब बताऊंगा तो मैं। तो हमने ड्रम क्रिएट कर लिया, हमने बेस क्रिएट कर ली, ओके। अब हम बोलते हैं कि चलो भाई तुमको हॉल में इकट्ठा करते हैं, तो बोले किस किस को इकट्ठा होना है, तो हम कहेंगे कि भाई ड्रम वाले तुम भी आ जाओ, तो हम ड्रम वालों को लेते हैं, भाई आ जाओ। अब यहाँ पे आके हम ड्रम पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से ये जो प्लेलिस्ट है, इसको मैं डिटेल्स को हटा देता हूँ, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है इसमें ध्यान रखना कि ये वाला बटन सेलेक्टेड हो, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ड्रम वाले आ जाएंगे, ये ड्रम वाले यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अब हम बोलते हैं बेस वाले तुम भी आ जाओ, ये बेस वालों को लिया और इनको भी बैठा दिया, तुम भी बैठ जाओ, और इसको एकदम टच कर देंगे, कहाँ पे, बैक साइड में फुल टच हो जाना चाहिए, ये देखो ये टच हो गया यहाँ पे। अब सुनो, अब इसको यहाँ से देखो बजाएंगे तो क्या बज रहा है, पैटर्न बज रहा है, लेकिन हमको प्लेलिस्ट बजानी है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अब सुनना, ये हो गया भाई, लोग बातें बताई मैंने कि छोटे कमरे से बड़े कमरे में लिया, ये सब हो गया, उसका मैंने सारा बता दिया तुमको कि क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा और राइट क्लिक करेंगे तो गायब हो जाएगा, पियानो रोल में ऐसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई, ओके। अब बताता हूँ मैं प्लेलिस्ट यानी कि इसके बारे में, कि ऊपर वाले ये जो बटन दिए हुए ये क्या काम के। तो ये जो बटन है ये तो है सेलेक्ट टूल, इसको करके रखोगे तो फिर किसी भी चीज़ को उठा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, सेलेक्ट करने के लिए यानी पकड़ के खींचने के लिए या फिर नए पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। इसमें वही सिस्टम है, लेफ्ट क्लिक करोगे तो बनेगा पैटर्न और राइट क्लिक करोगे उनके ऊपर आके तो गायब हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो है ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल का मतलब क्या है कि भाई खूब सारे पैटर्न एक साथ लेके जाने हैं तो यूं क्लिक करो और यूं आगे तक खींच ले जाओ, दबा के रखो और यूं रगड़ मारोगे तो ये पैटर्न ही पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बंधुओं ये म्यूट टूल है, ये जो है ये सुनने का है, म्यूट करने का, म्यूट मतलब आवाज़ बंद करने की, जिसको भी क्लिक करोगे इसके साथ में वो म्यूट हो जाएगा। और उसके बाद ये है चॉप टूल, चॉप टूल का मतलब क्या होता है कि बीच में से किसी पैटर्न को काटना, चक्कू है ये देखो, चक्कू जैसा दिख रहा है ना, धार बहुत खतरनाक है इसकी, देखो
ये काट के इसके दो टुकड़े कर दिए, अब इनको अलग अलग हिला सकते हैं हम, ठीक है। और टुकड़े करने हैं मेरे को तो मैं यूँ करूँगा, और टुकड़े हो जाएंगे, ये मैंने और हिला दिया। लेकिन कोई गलत चीज़ कर दी, गलत हो गया, कट गया, गलत कट गया, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल जेड। लेकिन कंट्रोल जेड सिर्फ एक स्टेप पीछे जाता है, एक से ज़्यादा स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट जेड दबाना पड़ेगा। ओके, दबाते रहोगे फिर जितनी भी स्टेप की है वो सारी अंडू अंडू होती रहेगी, कंट्रोल ऑल्ट जेड एक से ज़्यादा स्टेप पीछे जाने के लिए। उसके बाद में ये जो टूल है यहाँ पे, ये सुनने का है, जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ की चीज़ सुनाई देगी, ठीक है, वो पैटर्न सुनाई देगा। जैसे जिस पैटर्न पर क्लिक कर रहा हूँ ये सुन रहा है, ऊपर वाले पे करूँ वो सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत अगर कुछ सुनना है कि भाई यहाँ पे क्या है तो उससे मैं सुन सकता हूँ। उसके बाद बात करता हूँ इसकी, ये है स्टेप सेलेक्टर, यानी इसको बार पे रखोगे तो आपका जो भी पैटर्न होगा वो सीधा एक बार मूव करेगा। देखो मैंने इससे इधर कर रहा हूँ मूव, तो सीधा दूसरे बार पे जा रहा है, तीसरे बार पे जा रहा है। लेकिन इसको अगर मैं 1/2 बीट रख लेता हूँ तो फिर देखो ये एक एक बीट पे, यानी कि एक बार में इतनी सारी बीट होती है, फिर एक एक बीट पे मूव करेगा। अगर इसको मैं और छोटा कर देता हूँ तो ये बीट से भी छोटी जगह में मूव करेगा, और छोटा करता हूँ तो और भी छोटी जगह मूव करेगा। तो ये क्या काम आता है कि आपको थोड़ा सा मूव करना है या ज़्यादा मूव करना है, कितना करना है, वो सेट करने के काम में आता है, जो कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूजिक बनाओगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बंधुओं, ये तो हो गया अलग अलग पैटर्न के अलग अलग जो ग्रिड वो सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद ये जो है, इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, टूल्स मिलेंगे, व्यू मिलेंगे, स्नैप मिलेंगे, सेलेक्ट ग्रिड, ग्रुप, जूम, ये सब चीज़ें मिलेगी। इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के बताऊँ, क्योंकि ये मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ कि कैसे एफएल स्टूडियो को काम में लेंगे। अब आपने भाई ये अपना सॉन्ग बना लिया, मान लो मैंने यहाँ से बार सेलेक्ट किया और आपने ये पैटर्न लिया और सारे पैटर्न को यहाँ पे कॉपी कर दिया, आपका सॉन्ग ऐसा साउंड कर रहा है, ऐसा कर रहा है, मैं बताता हूँ। ये देखो ब्रश टूल लेंगे तो इससे हमको एक बार में कर सकते हैं। अब आप सोचते हो कि भाई मुझे मेरे दोस्तों को सुनाना है, मैंने कुछ नया बनाया है। जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ये एक टिप देता हूँ मैं। दोस्तों को सुनाना है तो कैसे करोगे? मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि फाइल पे जाओगे, एक्सपोर्ट पे जाओगे। अब अगर फर्दर किसी को एडिट करने के लिए भेज रहे हो तब तो वेव एक्सपोर्ट करना, क्योंकि इसकी फाइल साइज़ बहुत बड़ी होगी। लेकिन अगर दोस्तों को भेजना है टाइम पास के लिए तो MP3 पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर कोई भी जगह एक चूज़ करनी है अपने PC में जहाँ पे करना है सेव, और फिर इसको नाम दे देना है जो भी है, फर्स्ट सॉन्ग, ओके। और इसके बाद में सेव दबाना है। अब यहाँ पे ये बॉक्स खुल जाता है, ये खुलता है एक्सपोर्ट का बॉक्स, सेटिंग चेंज करने का, एक्सपोर्ट की भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो 320 पे रहेगा ना MP3 बाइट रेट 320, यानी हाईएस्ट क्वालिटी के MP3, फाइल साइज भी थोड़ी बड़ी होगी। लेकिन अगर कम फाइल की आउटपुट निकालना है तो इसको 192 तक कर सकते हो, 192 में भी ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएगी लेकिन फाइल साइज कम होगी, पर मैं 320 पे ही रखता हूँ उसको। बाकी सबको पढ़ा रहने दो। और उसके बाद में स्टार्ट दबाओगे, ये देखो ये रेंडर होने लग गया, ये MP3 में अब गाना निकल चुका है और डेस्कटॉप पे सेव हो गया है, ठीक है। अब इसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, जिससे भी करना चाहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 3 की, वो है मिक्सर। तो मिक्सर खोलने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, ये देखो मिक्सर खुल गया। अब मिक्सर क्या होता है? मिक्सर अलग अलग चीज़ों का जो है वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के काम आता है। अलग अलग चीज़ें कहाँ पे है भाई? अलग अलग चीज़ें हैं हमारी इन कमरों में, ये जो छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे हमने अलग अलग चीज़ें बैठाई हुई है। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर कुछ दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? ये है मिक्सर का ट्रैक। मैं इसको फिर से डिटेच करता हूँ, यानी कि ये जो किक है जिसको हम सोलो कर सकते हैं, देखो राइट क्लिक दबाओगे, राइट क्लिक हाँ, और फिर सोलो दबाओगे तो सिर्फ ये चीज़ बजेगी। ये हमने 1 नंबर पे इसको राउट किया हुआ, यानी कि 1 नंबर मिक्सर, देखो ये 1 नंबर का इंसर्ट है, तो यहाँ पे इसकी साउंड सुनाई देगी, दिखाई दे रही है ये। और अगर मैं इसको 2 पे कर दूँ तो क्या होगा? अब ये 2 पे बजेगा, 1 पे नहीं बजेगा, ठीक है। तो इनको हर एक साउंड को हमें राउट करना होता है एक चैनल पे, और हर साउंड का एक अलग चैनल लेना होता है, क्योंकि इसमें देखो 100-200 चैनल दिए हुए हैं FL स्टूडियो में। देखोगे यहाँ देखो 130-125 चैनल दिए हुए, यानी 125 तक साउंड आगे राउट कर सकते हो, इतने तो किसी के पहुंचते भी नहीं है। तो हर को एक अलग चैनल देना है, जैसे एक को 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, और हमारे बेस को हम 5 दे देते हैं। बाकी ये 2 इंस्ट्रूमेंट तो हम काम में ले रहे नहीं है, तो इनको मैं कट कर देना, डिलीट मार दो यहाँ से, जो काम में नहीं ले रहे उसको डिलीट कर सकते हो ताकि खाली खाली जगह रहे। तो ये मैंने 5 इसको नंबर दे दिया, ठीक है। अब जो भी चीज बजेगी, जैसे मैं अब सॉन्ग सुनता हूँ मेरा, अब देखो 2 पे क्लैप बज रही है, 3 पे मेरी हाई हेट बज रही है, 5 पे मेरी बेस बज रही है। सुनो, अब मैंने जैसा आपको कहा था कि 2 तरीके होते हैं, एक तो होते हैं जनरेटर, एक होते हैं इफेक्ट। तो इफेक्ट जो काम आएंगे वो यहाँ मिक्सर में काम आएंगे, क्योंकि मिक्सर में अब मुझे पता है कि 1 नंबर पे किक का साउंड आ रहा है, उसको मुझे एडिट करना है, तो मैं इफेक्ट कहाँ पे डालूंगा? मैं डालूंगा 1 नंबर पे। देखो ये मेरा बेस है 5 नंबर पे। अब यहाँ पे सीधा सा हिसाब है, एक चीज़ को सोलो करके, यानी कि सिर्फ वो सुनी तो एस दबाओगे तो वो सोलो हो जाएगी। जैसे मैंने बेस पे लाके एस दबाया तो बेस सोलो हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं बेस की आवाज़ को चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, नीचे करूँगा कम हो जाएगी, ऊपर करूँगा ज़्यादा हो जाएगी, और फिर से एस दबाऊँगा, सब कुछ चलेगा,
अब मुझे किसी की भी आवाज तेज ज्यादा करनी, जैसे मान लीजिए ये है जो इसकी आवाज कम करनी है, ज्यादा करनी है, यहां से कर सकता हूं। अब इफेक्ट जो लगाने वो कहां लगेंगे, जिस भी चैनल पे, जिस भी चीज पे। जैसे मुझे लगता है कि भाई ये जो है क्लैप, ये गूंज नहीं रही है, मुझे इसको गूंजाना है, तो मैं क्या करूंगा, दो नंबर सेलेक्ट करूंगा और फिर यहां पे देखो इनके इफेक्ट लगते हैं इसमें। हर ट्रैक जो भी सिलेक्टेड है उसके इफेक्ट लगेंगे उसके साइड में, इस ट्रैक में, ठीक है। दो सेलेक्ट किया तो ये दो का है, तीन सेलेक्ट किया तो ये तीन का इफेक्ट का रैक है, ओके। अब दो सेलेक्ट मैंने कर लिया, अब मैं कहता हूँ इसको मेरे गूंजाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जो एरो दी हुई है इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं रिवर्ब पे जाऊँगा। ये सारे मैंने जो है अपने कैटेगराइज किए हुए इफेक्ट, आपके ऐसे नहीं आएंगे, आपको करने पड़ेंगे, कैसे करते हैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो सारे देखिए मैंने कंप्रेसर डाले हुए हैं, डिलेज में डिलेज डाले हुए हैं, तो मुझे रिवर्ब चाहिए, ठीक है। तो मैं रिवर्ब में जाता हूँ, रिवर्ब कहाँ पर मिलता है, ये रहा रिवर्ब, या फिर मैं फ्रूटी रिवर्ब 2 में जाता हूँ। फ्रूटी देखो, ये फ्रूटी सब सारे FL स्टूडियो का डिफॉल्ट प्लगइन है, तो फ्रूटी रिवर्ब 2 में अगर मैं जाता हूँ, जो कि कहीं पे होगा, ये रहा। अब देखो मैंने ये रिवर्ब डाल लिया, ये इफेक्ट है, यानी ये इसका खुद का साउंड नहीं है, लेकिन जो साउंड हमारे पास पहले से है, जो क्लैप वाला साउंड है, उस पर ये अब गूंज डालेगा। तो सुनना, अब मैं इसके जितने सेटिंग चेंज करूंगा साउंड उतना ही बदलेगा। बंद कर दूंगा, यहाँ से बंद होता है इफेक्ट, इफेक्ट को बंद करना है। अगर ये ग्रीन है तो चालू है, ये बंद है तो बंद है। तो यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हैं, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हर एक चैनल है, जैसे 3 है 4 है 5 है 6, उसका जो तार है, देखो ये तार निकल के जा रहा है, मास्टर कौन सा, ये वाला। अब मास्टर में सबकी ऑडियो जाती है, जैसे मैंने बताया कि एक पे तो किक है, दो पे क्लैप है, तीसरे पे हाई हिट है, तो ये सब अलग अलग पे, लेकिन ये सब मिलके फिर जा रहे हैं मास्टर पे। तो यहाँ पे सारी ऑडियो आ रही है, क्लिक किक भी, हाई हिट भी, बेस भी, सब। सुनो, और अगर अभी सबको मैं एक साथ बजाऊं तो, मास्टर पे अगर कोई इफेक्ट लगाओगे तो वो सब पे लगेगा, लेकिन किसी के अलग अलग पे लगाओगे तो वो सिर्फ उसी इंस्ट्रूमेंट पे इफेक्ट लगेगा। तो ये है अपना, क्या बोलते हैं इसको, मिक्सर। इससे मिक्स करते हैं हम, किस साउंड को ज्यादा रखना है, किसको कम रखना है, वो उसका ऊपर नीचे करके हम सेट कर सकते हैं और बाकी इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी FL स्टूडियो की बेसिक वीडियो, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में खोलता है उसको ये एलियन टेक्नोलॉजी लगती है कि भाई क्या है, इतने सारे, इधर भी कुछ है, उधर भी कुछ है, कैसे काम में लूं। तो मेरे को लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे काम में आता है। और दूसरा एक टिप बताता हूं कि जितना ज्यादा काम में लोगे उतना ज्यादा सीखते जाओगे इसको, फिर देखना नहीं पड़ेगा कि ये खोलने से क्या होता है, वो खोलने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली हाथ वहीं पे जाता है जो चीज़ की ज़रूरत होती है, और कोई भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सब एकदम ब्लड में मिल जाता है, यूँ मिल जाता है, समझ रहे हो। तो वो जो है वो चीज़ आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ में, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो भाई ये थी बिगिनर की FL स्टूडियो की वीडियो, और कुछ समझ में नहीं आता है, अगर कुछ रह गया हो, मुझसे छूट गया हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ नीचे मेरा, इंस्टाग्राम पे जाओ और मैसेज करो, मैं बता दूंगा वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई तो उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बीट बनाते रहो, मज़े करते रहो, चलता हूँ।